हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रियलमी के सी सीरीज का एक नया स्मार्टफोन जो है रियलमी सी 12। ये आपको मिलता है लेस देन 10,000 रुपीज में। इसके तीन बड़े फीचर्स जो कि है इसका 6000 mAh का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और 6.5 इंच का ह्यूज स्क्रीन, साथ ही में 13 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा इस प्राइस ब्रैकेट में आपको किसी भी और फोन में नहीं मिलेगा। मैं हूं निष्ठा एंड वेलकम टू माय चैनल गैजेट्स अनफोल्ड। जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रियलमी सी 12 का। पर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस फोन को देखने के लिए। लेट्स अनफोल्ड इट। इसका बॉक्स है Realme के येलो ब्रांड कलर में, जो कोइंसिडेंटली मेरा भी फेवरेट कलर है। चलिए बॉक्स खोलते हैं। और बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर आपको मिलता है डॉक्यूमेंटेशन, एज यूजुअल सेफ्टी गाइड और क्विक गाइड है। साथ ही में सिम इजेक्टर पिन है एज एक्सपेक्टेड। इसके बाद मिलता है आपको फोन। अभी के लिए फोन को मैं साइड में रखती हूँ, इसे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद आपको मिलता है 10 वॉट का चार्जर और साथ ही में एक माइक्रो यूएसबी केबल। बस एक चीज मैं यहाँ पर मिस कर रही हूँ, जो कि है बैक केस, जो कि रियलमी के सभी फोन्स में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अभी हम इसे साइड में रखते हैं और फोन को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फोन को। लेट मी ओपन द कवर। एज आई होल्ड इट, काफी वेल बिल्ट लगता है और काफी सॉलिड डिजाइन है। एंड यस, लुक एट द बैक। मैट फिनिश है, ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट डिजाइन है। इस पर आपको स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आएंगे, शायद तभी बैक कवर स्किप किया गया है। फोन हाथ में थोड़ा बल्की लग रहा है। इसका जो वेट है वो है इसकी ह्यूज बैटरी की वजह से, जो है 6000 mAh की। अगर एक बार आप इसे चार्ज कर लेंगे तो दो दिन तक आराम से आपको चल जाएगी। और इसकी जो थिकनेस है वो है 8.9 mm। इसके साइड्स और एजेस कर्व्ड है और होल्ड करने में बिल्कुल भी इनकन्वीनियंस नहीं है। Realme C 12 को रिलीज किया गया है दो कलर्स में, जो है पावर ब्लू और पावर सिल्वर। मेरे पास इस समय हाथ में आपको दिखेगा पावर ब्लू कलर। अगर आप इसके बैक साइड में देखेंगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, जो कि काफी बढ़िया है इस रेंज के हिसाब से। साथ ही एक फ्लैश लाइट भी है, तो 2x2 का सिमेट्रिकल डिजाइन है। और साथ ही में अगर आप इसे टेबल पे रखेंगे तो कोई भी इम्बैलेंस नहीं होगा। जो कैमरा है वो फोन के साथ ही फ्लैट सरफेस में आपको मिलेगा। और साथ ही में बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो अगर मैं साइड्स की बात करूं तो राइट साइड में आपको मिलेगा पावर ऑन ऑफ बटन और उसके ऊपर मिलेगा वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन करने के लिए। साथ ही में ऊपर कुछ नहीं है। और लेफ्ट साइड में टॉप में आपको मिलेगा सिम कार्ड ट्रे। चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट है कि नहीं। चलिए सिम कार्ड स्लॉट को ओपन करते हैं। और यस, एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड की जगह है और दो नैनो सिम कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो काफी अच्छी बात है। और लोअर साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 3.5 mm का स्टैंडर्ड ऑडियो जैक और इसके साथ ही आपको माइक्रोफोन मिलेगा, माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा और नेक्स्ट आपको स्पीकर ग्रिल मिलेगा। और अगर फ्रंट टॉप में देखेंगे तो मिनी ड्रॉप सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि 5 मेगापिक्सल का है। नॉट बैड। पर उससे पहले, अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इट रियली मोटिवेट्स अस। कमिंग टू द डिस्प्ले, Realme C 12 has got a huge display. इसका स्क्रीन साइज है 6.5 inches.
एलसीडी पैनल है और बेजल्स अगर आप देखें इसके साइड के और ऊपर के बहुत थिन हैं और लोअर चिन भी एवरेज है, तो आपको काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। स्क्रीन ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस इसकी 420 निट्स है, तो इंडोर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सनलाइट में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर ओवरऑल आई थिंक इट इज गुड। स्क्रीन्स पर आइकन काफी अच्छे हैं और साथ ही आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, तो ये आपके लिए काफी स्क्रैच प्रूफ होगा। वीडियो एक्सपीरियंस काफी अच्छा है फुल स्क्रीन में, ऑडियो एक्सपीरियंस भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से डिसेंट है। गाइस, बैटरी 6000 mAh की है, तो आराम से 4 या 5 घंटे YouTube वीडियोस आप इस पर देख सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द बैटरी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आपको मिलेगा इसमें Helio G35 प्रोसेसर, जो कि इस बजट के हिसाब से एक डिसेंट प्रोसेसर है। लो बजट गेमिंग डिवाइस है, हेवी गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी आप लो सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। मल्टीटास्किंग में इश्यू हो सकता है, बट ओवरऑल अ डिसेंट परफॉर्मेंस। ये फोन आपको एक ही वेरिएंट में मिलता है, जो कि है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज आपकी वीडियोस, पिक्चर्स और एप्लीकेशंस के लिए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये यूज करता है Realme UI, जो कि बेस्ड है Android 10 पर, तो नेविगेटिंग और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। फोन के साथ आपको काफी ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं मिलेंगे, तो आपकी फोन की स्पेस और बैटरी इससे सेव हो जाती है। इसमें आपको कुछ एड्स मिल सकते हैं, जो कि आप सेटिंग्स में जाकर डिसेबल कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम ओवर देयर। अगर बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी है, विच इज ह्यूज गाइस, तो आराम से आपको 2 दिन तक तो चल ही जाएगा इफ यू आर एन एवरेज यूजर, और अगर आप हेवी यूजेज भी करते हैं तो आराम से 1.5 डेज तक तो चलेगा ही। पर इसके साथ जो चार्जर है वो है 10 वॉट का चार्जर, तो आपका चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट 2.5 to 3 hours आपको लग सकते हैं। गाइस, आप इससे रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस रिकॉग्निशन भी। चलिए देखते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर कितना क्विक है। ये काफी क्विक और बढ़िया लग रहा है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड। इसके अलावा वाईफाई है, एफएम रेडियो है, साउंड वैल्यू इज इन लिमिट और साथ ही में ब्लूटूथ 5 भी है। और अब आती है कैमरा की बारी, माय फेवरेट पार्ट। इसमें आपको ट्रिपल AI कैमरा मिलेगा, जो सेटअप है मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, जो और इसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का। हम पिक्चर्स की बात करें तो डेलाइट के पिक्चर्स काफी अच्छे आते हैं, कलर्स भी नेचुरल और ब्राइट हैं। मैक्रो शॉट्स वाले पिक्चर्स आर ओके, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है बट दे आर ओके। दीज आर वेरियस शॉट्स दैट आई हैव टेकन यूजिंग दिस कैमरा, तो आप खुद ही बताइए आपको कैसी लगी ये पिक्चर क्वालिटी। कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट, एज पर मी इन सभी फीचर्स के साथ इस प्राइस रेंज में C12 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी बैटरी है। और परफॉर्मेंस के मामले में C3, जो कि Realme का ही एक दूसरा फोन है, वो काफी बढ़िया है। कुछ दिन पहले मैंने Realme C3 का रिव्यू किया था, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो एंड चेक आउट द सेम। और इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you want me to review any other gadget, then leave your feedback in the comment section below. आप मुझे follow कर सकते हैं on Instagram, Facebook and Twitter. For now, take care and bye-bye.